गवर्नमेंट कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट जूलॉजी बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर थर्ड कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन बायोस्टेटिक्स जीव सांख्यिकी की विशेषताएं तथा महत्व। तो छात्रों, आज हम आपको बायोस्टेटिक्स की करैक्टर एंड उसके इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन करवाएंगे, जिसमें उसकी क्या विशेषताएँ होती है और क्या उसके महत्व होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टेटिक्स। फर्स्ट पॉइंट, सांख्यिकी विभिन्न तथ्यों का एक समूह होता है। नेक्स्ट, सांख्यिकी को आंकिक रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। सांख्यिकी किसी एक सामान्य कारक से प्रभावित नहीं होती, परंतु डिफरेंट फैक्टर से प्रभावित होती है। सांख्यिकी में डाटा को क्रमबद्ध रूप से कलेक्शन किया जाता है, जो एक के बाद एक घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में अरेंजमेंट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का उपयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसमें अपने जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सांख्यिकी में उचित तथा उपयुक्त मानदंडों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सांख्यिकी में ही जो पेपर या एरिया लिया जाता है उसको ही या उसके अंदर ही अपने को शो करना होता है, इसलिए उसके अनुसार ही हम उसका पैमाना या मानदंड लेते हैं। नेक्स्ट, सांख्यिकी की सहायता से ही लार्ज डाटा को नॉर्मल तथा क्लासिफाइड रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यदि डाटा बड़े साइज का हो तो उसको नॉर्मल तथा क्लासिफाइड करके उसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, सांख्यिकी में डिफरेंस डाटा का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकी से एक सामान्य जन के मस्तिष्क का विस्तारण होता है एवं प्रोग्रामों को लागू करने में सहायता मिलती है, जिससे आम आदमी के मस्तिष्क का विस्तार होता है तथा नए नए योजना या प्लानिंग को लागू करने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, सांख्यिकी में तथा सांख्यिकी से विभिन्न समकों के मध्य संबंध को दर्शाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, सांख्यिकी की सहायता से अर्थशास्त्रियों तथा प्रशासकों को विभिन्न प्लानिंग करने की रणनीति बनानी होती है, जिसमें इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव को डिफरेंट टाइप की प्लानिंग बना जाती है। नेक्स्ट, सांख्यिकी का विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेलवे, बैंक, फोर्स,
एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट में इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जीव सांख्यिकी का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायो स्टेटिस्टिक्स। जीव सांख्यिकी का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि जीव सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य डिफरेंट टाइप के डाटा से उसका उचित निष्कर्ष निकालना तथा विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालना बताया है। साइंटिस्ट वेडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुसंधान यह ज्ञात होता है कि जो परिवर्तन हुए हैं उनके क्या कारण हो सकते हैं या क्या कारण रहे हैं और उनके क्या परिणाम फ्यूचर में हो सकते हैं। जो अभी कोरोना टाइम में भी इंडिया की इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, इसके को भी प्लानिंग के द्वारा किस प्रकार से इसकी इकोनॉमिक्स ग्रोथ की जा सकती है, जो सांख्यिकी डाटा के द्वारा ही या सांख्यिकी की सहायता से किया जा सकता है। नेक्स्ट, जैव सांख्यिकी के कार्य फंक्शन ऑफ बायोस्टेटिक्स। इसके अंतर्गत भी तथ्यों को निश्चित संख्याओं में शो किया जाता है तथा जटिल जैविक तथ्यों को सिंपल रूप देना, जो कॉम्प्लेक्स प्रकार के डाटा होते हैं उनको सिंपल रूप देना। नेक्स्ट, तुलनात्मक अध्ययन करना तथा उनमें संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट, अनुभव तथा ज्ञान में ग्रोथ करवाना। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम के इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालना तथा वर्तमान तत्वों का एनालिसिस तथा पूर्वानुमान करना। नेक्स्ट, तत्वों में से संबंध स्थापित करना या कोरिलेशन स्थापित करना। ये सभी जीव सांख्यिकी के कार्य होते हैं। ऐसे जीव सांख्यिकी को वैज्ञानिकों ने बायोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। सांख्यिकी के द्वारा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को सुनियोजित तथा सुसंगठित किया जा सकता है। सांख्यिकी विधियों के द्वारा विभिन्न जैविक अवस्था के अनुमानों को प्रयुक्त किया जा सकता है। सांख्यिकी के द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक या साइंटिस्ट डाटा का समुचित विश्लेषण किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के लिए तो विभिन्न आंकड़ों के परिणामों का विश्लेषण सांख्यिकी के बिना असंभव होता है। प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित डाटा का वैज्ञानिक अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। इसके साथ आज का लेसन कंप्लीट होता है तथा वीडियो भी कंप्लीट की जाती है। नेक्स्ट दिन पढ़ाया जाएगा। थैंक्स।